वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोग नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड डेफिनेटली अगर आपकी NCERT बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुई है तो डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका एटलीस्ट एक चैप्टर क्लियर कर देगा कि यस, आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है, अच्छी हुई है, ख़राब हुई है या बहुत अच्छी हुई है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने वाला है कि आप कितने पानी में हैं। एक्चुअली कई बार एक से एक अच्छे स्टूडेंट से मैं मिल रहा हूँ और जब भी मैं बैठ रहा हूँ उसके पास तो NCERT उसकी ऐसी प्रिपेयर्ड है कि नहीं, नॉट अप टू द मार्क। यू कैन सी द क्वेश्चन, रीड इट आउट एंड बेटर टू से आप वीडियो को देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेके बंद कर दें। Write down this question in a copy and try to understand it completely. If you are not able to understand, then go through this chapter. Definitely, it is talking about phosphorus. And once going through completely through your NCERT, then come back to solve these questions. Definitely, you will come to know what you are missing and what is going on up to the mark. Chaliye. मैं एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। सी, मैं सारी बात एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यस, आपको इंश्योर करना होगा कि यस, आपने ठीक से पढ़ ली NCERT, तभी आप करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का, राइट। चलिए लेट्स सी कि क्या आपका सही आंसर आता है, क्या आपका गलत आंसर आता है। चलिए, तो आप वीडियो को पॉज करें और जब एक बार समझ में आ जाए बात कि यस, हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, तो हम चलिए। सबसे पहला पार्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड ए इज फॉर्म्ड ऑन बॉयलिंग विथ फॉस्फोरस विथ NaOH। तो देखिए, NCERT जब आप पढ़ोगे तो आपको पहला ही फॉस्फोरस में चार्ट फॉर्मूला जो कहिए आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, फॉस्फोरस Y2Y2 वैक्सी ग्रोइंग इन डार्क P4। ऐसा होता है P4, पी 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 और पी, बॉन्ड एंगल बहुत ही बेकार होता है 60 डिग्री का, तो इस पर स्ट्रेन होता है, जबकि ये टेट्राहेड्रल है, SP3 हाइब्रिडाइज्ड, फिर भी बॉन्ड एंगल 60 है, होना चाहिए 109 डिग्री, तो 49 डिग्री का स्ट्रेन है। तो जल्दी से पानी से नहीं रिएक्ट करता, पानी का तो ये दोस्त है, पानी में ही स्टोर करते हैं। यही बच्चा गलती कर देता है कि P4 की रिएक्शन अगर वाटर से होगी तो क्या होगा, होगी नहीं वाटर से। तो P4 कि रिएक्शन अगर NaOH की प्रेजेंस में हो जाए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर NCERT में लिखा हुआ है, तो ये क्या बनाता है, आप देख चुके होंगे NCERT में, अगर आपने ठीक से NCERT देखी है तो डेफिनेटली यू विल गेट प्रोडक्ट एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड 3 मोल्स ऑफ NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और PH3 गैस फॉस्फीन, जो कि सड़ी मछली की तरह बदबू होती है, ये भी पॉइजनस होती है क्योंकि पॉइजन से बनी है, पॉइजनस P4 भी पॉइजनस होता है, वाइट फॉस्फरस PH3 भी पॉइजनस गैस होती है, सड़ी मछली की बदबू होती है, और इसका नाम होता है सोडियम, याद रखिएगा हाइपोफॉस्फाइट। क्यों आइट लगाए, फॉस्फाइट आइट क्यों लगाए, याद रखिएगा अगर +4 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक लगता है एसिड में, एक का 8 हो जाता है सॉल्ट, और अगर इससे कम है तो क्या लगेगा, अस लगेगा, अस का आइट बनेगा, राइट। एनीवेज ये बन गया, इसका मतलब एसिड क्या रहा होगा, इसका एसिड क्या रहा होगा, एन ए हटाओ एच लगाओ तो डेफिनेटली एसिड रहा होगा H3PO2, नाम तो आपने सुना ही होगा H3PO2 फॉस्फिनिक एसिड, प्यार से लोग इसको क्या बोलते हैं, निकनेम क्या है, फॉस्फिनिक एसिड, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, फॉस्फिनिक एसिड ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, अदरवाइज इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्या नाम है,
हाइपो फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हाइपो हाइपो फॉस्फोरस एसिड भी है, हाइपो फॉस फॉरस एसिड नाम भी है इसका, राइट। ये तो देखिए इसका पहले पार्ट का आंसर हो गया। इतनी सारी बातें जानने के बाद हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। ऑन पासिंग क्लोरीन थ्रू फॉस्फोरस कैप फ्यूज्ड अंडर वाटर, क्योंकि फॉस्फोरस को स्टोरी वाटर में किया जाता है। अब आप उस पर क्या कर रहे हो, आप क्लोरीन पास कर रहे हो थ्रू फॉस्फोरस, है ना, और हीट भी कर रहे हो और मेटाफॉस्फोरिक, तब सब कुछ तो बता ही दिया। तो लेट्स सी, अगर आप फॉस्फोरस को हीट करोगे ट्वाइस ऑफ पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl2 और 6 मोल्स ऑफ वाटर, ये बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तो आपको मिलेगा फॉस्फोनिक एसिड H3PO3, इसको ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, और 6 मोल्स ऑफ HCl एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 मोल मिलेंगे फॉस्फोनिक एसिड के, फॉस्फोनिक एसिड, याद रखिएगा फॉस्फोनिक एसिड, इसको फॉस्फोनिक एसिड बोलो या ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब जो एसिड है हमारा वो क्या है, तो डेफिनेटली H3PO3। H3PO3 का दूसरा नाम क्या है बच्चा लोग बताओ, H3PO3 इज नोन एज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। अब आप कहोगे फॉस्फोरस लिखते हैं या फॉस्फोरिक लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, पी 3 × 6 = 3 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। बच्चे लोग कैसे निकालते हो, वैसे निकाल के भी बता देता हूँ, 3 × 1 + x − 6 = 0, सो x = +3। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन बच्चा लोग बताओ। फॉस्फोरस ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड HNO3 गिव्स एन एसिड विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई द एक्शन ऑफ डायल्यूट H2SO4 ऑन पाउडर फॉस्फेराइट रॉक। इसका मतलब ये क्या हुआ, सोचो आप। अच्छा, वो उसने उसकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसमें मेटाफॉस्फेरिक एसिड भी था, तो हम पूरा करते हैं H3PO3, तो क्या देगा हीट करने पे, HPO2 + वाटर, हमारे को तो पानी निकालना है, तो ये बात पूरी कंप्लीट हो गई थी, मेटा ये प्राइमराइज पॉलीमराइज कर जाता है। खैर एनीवेज, आइए इस पे चलते हैं। फॉस्फोरस ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड HNO3, यानी कि फॉस्फोरस लिखा है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट वाइट फॉस्फोरस। अब वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन HNO3 के साथ होके क्या बनेगा वो देखते हैं। P4 ऑन रिएक्शन विथ HNO3, बहुत ज़्यादा मोल्स लगते हैं HNO3 के, देखना क्यों ज़्यादा लगते हैं ये भी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बनता है 4 मोल्स ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, खेतों में डाली जाती है, दवाई का काम, इंसेक्टिसाइड का काम आता है, प्लस ट्वाइस ऑफ NO2, और यही मंजिल होती है फॉस्फोरस की बनने की, प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर, ये बन जाता है, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि एक्शन ऑफ डायल्यूट H2SO4, तो देखिए P4 की रिएक्शन अगर हम करें 10 मोल्स ऑफ H2SO4, देन इट विल गिव यू वंस अगेन 4 मोल्स ऑफ H3PO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और प्लस वाटर मिल जाएगा, वही 4 मोल पानी। आपको बैलेंस रखने की याद नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि बनता क्या है, इससे भी फॉस्फोरिक एसिड बनता है और इससे भी फॉस्फोरिक एसिड बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा लोग? नाउ लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ए ऑन ट्रीटमेंट, ए क्या आया था हमारा, ए आया था H3PO2, तो H3PO2 विथ HgCl2 फर्स्ट गिव्स वाइट PPT एंड देन ग्रे प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या हो गया कि H3PO2 की रिएक्शन अगर आप करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर दें आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्ट मिल जाएगा H3PO4 प्लस हाइड्रोजन। इसका मतलब ये देखिए H3PO2 2 × 4 = 3 + 1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये क्या बन गया हमारा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। आई होप इतनी बात आप सबको समझ में आई है, यू कैन सी दिस मच, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे बताएं कि क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है, और डेफिनेटली ये भी बताएं
ये कितना आपको हेल्प करेगा चार्ट, राइट। मैंने आपको सब कुछ बताया है और ये एक क्वेश्चन आपको देखा जाए तो पूरा चैप्टर कवर अप करता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर स्टडीज, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, कैसे लगे मेरे एफर्ट्स, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ऊपर वाला उनकी मदद करता है जो बाकियों की मदद करता है।